जो हुआ उसमें ना तो तेरी कोई गलती है ना दामाद जी की। जिस दर से वो गुजर रही है उसी दर से तू भी गुजर। बेटा जब कोई झटका लगता है तो दीवारों में दरारें पड़ने लगती, लेकिन रिश्ते दीवारों से ज्यादा मजबूत होते। जिंदगी जिंदगी में चाहे कितना भी बड़ा झटका क्यों ना लगे, अपने और दामाद जी के रिश्ते में कभी भी दरार मत पड़ने दे। पति पत्नी का रिश्ता बुरे वक्त की आग में दबकर ही मजबूत बनता है। उन्हें कभी कोई ऐसी बात मत बोल देना जिससे उनका दिल टूट जाए। और अमू जब तू हॉस्पिटल में थी ना तो उन्हें उनकी हालत देखी नहीं थी। अमित को एक पल का भी चैन नहीं था। तूने उनकी हालत देखी नहीं थी। अमित कुमार को एक पल का भी चैन नहीं था। सारे पैसे आ रहे कभी भी अमित कुमार ने आपका साथ नहीं छोड़ा, हर वक्त आपका साथ दिया। मामा आप सही कह रहे हैं, मुझे गुस्से में आके उन्हें इतना सब कुछ नहीं कहना चाहिए। हाँ लाइन से ले लो। हाँ मामा आप सही कह रहे हो, शायद मैं गुस्से में कुछ मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था मुझसे। अब चलो मामा मैं रख लू, आपसे बाद में बात करते हैं, ठीक है बाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार सीक्वेंस क्या हुआ आज का सीक्वेंस में बताइए क्या ना बताएं प्लीज सीक्वेंस नहीं प्लीज आप बताइए मैं थोड़ा मैं अच्छा ठीक है चश्मा टूट गया नहीं नहीं तो सीक्वेंस ये है कि अमिता का बेबी अब नहीं रहा, सो अमिता बहुत शॉक में थी पर अब धीरे धीरे रिकवर हो रही है और वो चाहती कि वो फिर से कंसीव करे। तो वही अभी वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है, एस्ट्रोलॉजर उसे बोलता है कि यू नो डायमंड से दूर रहो, ये करो वो करो, तो अमिता वो सारी चीज़ें कर रही है। तो अमित और अमिता का इसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो गया था। सो अमित को मनाने के लिए अमिता ने एकदम अलग तरीके का पनीर, जैसे अमित को पनीर बहुत पसंद है तो अलग तरीके का पनीर बनाकर भेजा है। तो अमित का जैसे फटाक से फ़ोन आया तो शी वाज़ ऑल एक्साइटेड कि देखते शायद अमित को पसंद आया कि नहीं। फिर हम प्लान करते हैं कि हम लंच पे जाते हैं, लेकिन लंच के टाइम पे तो मुझे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है जो अमित को नहीं पता, तो इसलिए हम जाते हैं डिनर पे। इतना कूल मजा आता है। तो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में आपका क्या सपोर्ट रहा अमिता को? मेरा फुल सपोर्ट है अमिता को इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में, मतलब मैं तो हमेशा अमिता को हर बात पे सपोर्ट करता हूं। आज अमित सिर्फ रैपिड फायर राउंड खेलने के लिए तैयार है क्योंकि वो इतने थक चुके हैं कि वो सिर्फ एक दो तीन ऐसे जवाब देंगे। लेकिन आप बोल रही नाराज है ना अमिताभ से, किस वजह से नाराज है, क्यों बहस क्यों? क्योंकि मैंने अमित को बोला कि मैं फिर से कंसीव करना चाहती हूँ और जब तक फिर से बेबी नहीं आएगा तब तक मैं ठीक से नहीं बात कर पाऊंगी। मैं थोड़ा अजीब सा लगता है, ऑब्वियसली 9 महीने आप अपने बेबी को अपने पास में अपने कोप में रखो, आपके अंदर एक बेबी पल रहा है और फिर अचानक से वो यू नो छोड़ कर चला जाए तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो ये एक ऐसे नहीं कह रही कि पिता के लिए दुख की बात नहीं होती है, पर एक माँ की फीलिंग ही अलग होती है। तो जो जो दौर से मैं गुजर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है और मतलब इतना आसान नहीं है ये सब भूल जाना। तो ठीक है मैं जानती हूँ कि अमित मेरे साथ है, वो मेरा साथ दे रहा है, जो हमने पहले एक सीन किया उसमें अमित कहते कि मुझसे कहो तुम मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, पर इतना मतलब आसान नहीं है ना कोई ऐसे बोले कि तुम टेंशन मत लो पढ़ाई करो तुम पास हो जाओगे। लेकिन यार जिसका बोर्ड एग्जाम है उस पर ही बीतती है, उसे पता चल रहा है मेरे बोर्ड एग्जाम से मुझे बहुत डर लग रहा है, सॉरी या सो बेसिकली इसके लिए हमारा झगड़ा हुआ। मैं क्योंकि अमित को कहती हूँ मैं फिर से मुझे बेबी चाहिए, अमित कह रहे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, 3 महीने तक तुम्हें बेबी नहीं हो सकता, लेकिन अमिता सुनने को तैयार ही नहीं। सर लेकिन आपने कहा था कि आप दिल वाले दुल्हन दिखाने ले जाएंगे, आइसक्रीम खिलाएंगे, ऐसा कुछ कर रहे हैं कि नहीं फ्यूचर में? अभी मैं कर तो रहा हूँ लेकिन बोले तो बोले तो सही कि मैं डीडीएल से देखनी है वो। बताओ सरप्राइज थोड़ी कोई बताता। ओके फाइन आई विल टेक। तो कब ले जा रहे हैं अमिता को दिखाने, आइसक्रीम को खिला रहे हैं? फिर जब अमिता बोलेगी तब मैं ले जाऊंगा। मैं ये सोच रहा हूं कि वो बोलने का क्यों मौका दे रहे हैं पूरी सामने से। अच्छा एग्जैक्टली हम क्यों बोलने का मौका दे, सरप्राइज तो हम